सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपको नंबर तो दिलाता ही है, ये आपको गुफ्तगू का सलीका भी सिखाता है। आप अपनी बात से, आप अपनी गुफ्तगू से दूसरों को मुतासिर कर सकते हैं। आप अपनी बात को दूसरों से मनवा सकते हैं। जब आप अच्छे शेर कहते हैं, जब आप अच्छे अकवाल बोलते हैं और जब आप मियारी अल्फाज बोलते हैं, तो दूसरा शख्स जो है वो आपके अल्फाज से मुतासिर होता है। अब हम बात करते हैं कि उर्दू सब्जेक्ट में हम ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे ले सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि उर्दू सब्जेक्ट को भी उतनी ही अहमियत देनी चाहिए जैसे हम साइंस सब्जेक्ट को देते हैं। एक दफा एक किसी ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा अमल है जो सबसे बेहतर है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा अमल जो थोड़ा हो और बाकायदा हो। तो हम अगर उर्दू को भी ज्यादा वक्त नहीं दे सकते, तो हमें चाहिए कि रोज हम आधा घंटा या पौना घंटा तो इस सब्जेक्ट को जरूर पढ़े। ऐसा नहीं है कि जनाब के टेस्ट आ रहा है और हम उस वक्त किताबें लेकर बैठ गए हैं, तो इसमें फिर हमें वो कामयाबी नहीं मिल सकती। इसको हमें रोजाना ही पढ़ना पड़ेगा और जब टेस्ट का दिन आएगा तो हमें इसको ज्यादा अच्छे अंदाज से तैयार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है उर्दू में मारूजी का सवाल आता है। मारूजी का जो सवाल है ये 20 नंबर का आता है। 20 नंबर के मारूजी को आमतौर पर बच्चे ऐसे तैयार करते हैं कि चंद सफे याद कर लिए, उनके रट्टे लगा लिए, लेकिन असल में हमने लॉजिक को भी देखना है, हमने कॉन्सेप्ट को भी देखना है और उसके मुताबिक इसको तैयार करना है। मारूजी की तैयारी के लिए एक किताब काफी नहीं है, हमें मुख्तलिफ जो किताबें हैं उनको भी कंसल्ट करना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए। अगर हम इंशाइया पर्चे की बात करते हैं तो उसमें एक सवाल जो है वो आता है शायरी का। शायरी में उसमें नज़म की तशरीह है, गजल की तशरीह है। तो तशरीह में हमने ये देखना होता है कि शायर क्या बात कह रहा है, उसका मकसद क्या है और वो क्या बात कहना चाहता है। अगर शायर ने किसी बैकग्राउंड या किसी पस मंजर में उन आशार को कहा है तो हम वो तमाम बातें बताते हैं, इससे हमारी तशरीह मुकम्मल होती है। इसी तरह अगर हम पैराग्राफ की या जुज की तशरीह कर रहे हैं तो इसमें भी हमने तमाम बातों को वजाहत के साथ बयान करना होता है। मुमतहिन पर अच्छा असर तब ही पड़ता है कि जब हम वजाहत मियारी अल्फाज के साथ करते हैं और उसमें अकवाल का इंतखाब करते हैं और जब हम उसको अच्छे अंदाज से प्रेजेंट करते हैं तो वो हमें अच्छे अंदाज से उसके हमें नंबर देता है। मिसाल के तौर पर हम एक जुमला इस्तेमाल करते हैं कि जी लड़ाई लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो। अब अगर हम इसकी तशरीह को सोचें कि इसकी तशरीह को कैसे करना है, तो इसकी तशरीह कुछ इस अंदाज से होगी कि आपस में लड़ना झगड़ना अच्छी बात नहीं है, हमें एक दूसरे को माफ करना चाहिए। और अल्लाह का घर साफ करने से मुराद ये नहीं है कि जब आप मस्जिद में चले जाना है वहां पे जाके झाड़ू देनी है, मतलब ये नहीं है। मतलब ये है कि हम यहाँ पे कोटेशन लगाएंगे कि मोमिन का जो दिल है वो अल्लाह का घर होता है और दिल में जो है वो नफरत नहीं रखनी चाहिए, हसद नहीं रखना चाहिए, कीना नहीं रखना चाहिए। तो दिलों को इस तरह की गलाजत से पाक करो, नफरत से, गुस्से से, हकारत से, और हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। तो बेटा तशरीह करते वक्त आपने इन बातों का ख्याल रखना है कि कोई शायर या अदीब या मुसन्निफ क्या कह रहा है और क्या कहना चाहता है, हमने ये सब बातें बड़ी वजाहत के साथ बतानी होती हैं। इसके बाद एक सवाल होता है नज़म का खुलासा या सबक का खुलासा। नज़म या खुलासा या सबक का खुलासा हमने टू द पॉइंट लिखना होता है। इसमें हम कोई शेर नहीं लिख सकते, इसमें हम कोई इजाफी बात नहीं कर सकते और तरतीब का भी ख्याल रखना होता है। तो नज़म का खुलासा मुख्तसर होता है, 7-8 लाइनों में हम आमतौर पर नज़म का खुलासा लिखते हैं, और अगर छोटी नज़म है तो 5-6 लाइनों में, बड़ी नज़म है तो आप 8-9 लाइनों में उसका खुलासा लिख सकते हैं।
सबक का जो खुलासा होता है वो एक तहाई होता है जो कि आमतौर पे 2 से 2.5 सफों में लिखा जाता है। इसके बाद अगला हिस्सा जो पर्चे का होता है वो ग्रामर का होता है, जिसमें हमें या तो दरखास्त आ जाती है, रसीद आ जाती है, या हमें खत का सवाल आ जाता है। तो इसमें आम तौर पर स्केच के ही बनाने में ही हमें उसके 5 नंबर तकरीबन मिल जाते हैं, और बाकी नंबर हम बीच में अल्फाज जो लिखते हैं तो हमें उसके बाकी नंबर भी मिल जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दरखास्त लिख रहे हैं या रसीद लिख रहे हैं या खत लिख रहे हैं, हम जो भी लिख रहे हैं हमने उसको स्केच को पूरी तवज्जो और पूरे ध्यान के साथ हमने उस स्केच को लिखना है। और आखिर में बच्चों ये बात है कि कहते हैं कि जिससे आंख ना भाए उसे दिल क्या भाए। हमने जब पेपर लिखना है तो उसको खूबसूरत अंदाज से लिखना है, मार्कर का इस्तेमाल करना है, वो अल्फाज जो नुमाया अल्फाज हैं उन पर भी मार्कर का इस्तेमाल करना है, ताकि हमारा जो उर्दू का पर्चा चेक करने वाला है वो हमारे पर्चे से खुश हो और हम जो है वो उससे ज्यादा से ज्यादा नंबर हासिल कर सके। तो बेटा बात यह है कि आपने पहले ही लफ्ज से अपनी राइटिंग जो स्पीड है उसको बढ़ा के रखना है, पहले लफ्ज से लेकर आखिरी लफ्ज तक आपने खूबसूरत भी लिखना है, आपने मियारी अल्फाज भी लिखने हैं और आपने अपनी रफ्तार को भी तेज रखना है, ताकि आपको पूरे वक्त में आप तमाम सवालों को अटेम्प्ट कर लें।